हाय, सो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ नन टू इस मूवी के बारे में। जवान आने के बाद तो इस मूवी को स्क्रीन कुछ खास मिल नहीं रहा है और ये मूवी ना इतना ज्यादा स्क्रीन डिजर्व भी नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है ये सब कुछ मैं आगे बोलने वाली हूँ, बट इससे पहले अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मैं अपने छोटे से चैनल को ग्रो कर पाऊंगी। तो इस मूवी का जो प्लॉट है ये काफी ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर हम फिर से मॉरिस को देख पाते हैं जिसको हम पार्ट वन में भी देख चुके हैं और हमें पता है कि मॉरिस की बॉडी के अंदर बेसिकली वैलक है। अब पार्ट टू में क्या चल रहा है कि हम ये देख पाएंगे कि वैलक जो है वो चाहती क्या है। वो अभी भी मॉरिस के बॉडी के अंदर ही है और मॉरिस के बॉडी के अंदर रह के वो बहुत से फादर्स की और सिस्टर्स की ना ऐसे कत्ल किए जा रही है, ठीक है। और अभी उसको चाहिए सेंट लूसी की आईज। अब सेंट लूसी का आईज जो है वो क्रिश्चियनिटी में इसको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट माना जाता है, तो अब उसको सेंट लूसी का आईज चाहिए। अगर उसको वो मिल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बन जाएगी। ये सब कुछ है और फिर ये जो मर्डर के खबर है ये सिस्टर आइरिन के कानों तक पहुंचता है और सिस्टर आइरिन फिर ढूंढने निकल पड़ती है कि किसके बॉडी के अंदर है ये मोहतरमा। तो वो जाती है अपने बिलीफ के साथ, इसको हरा देती है और हरा के हेल में पहुंचा देती है। और मूवी में थोड़ा बहुत जंप स्केयर है। टेक्निकली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एडिटिंग वगैरह, एस्थेटिक वगैरह ये सब कुछ अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, बट ये मूवी ना कहीं देखने के बाद डर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मतलब मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मेरे सामने कोई भू ऐसा भी कर देता है मैं डर जाती हूँ। तो ये मूवी जब मैं ऐसे इस सैटरडे को थिएटर में देखने गई तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं ऐसे देख रही हूँ, मुझे तो ऐसा मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बात तो मूवी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ठीक है, इतना स्लो ये मूवी, मतलब प्लॉट में ना ही कुछ खास ट्विस्ट है, सब कुछ इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, सब कुछ तुम समझ जाओ। उसके बाद मतलब एक सीन था ना जो कि हम लोग ट्रेलर में ऐसे देखे थे कि वो एकदम आर्टिस्टिक वे में सारे के सारे पेपर्स को ऐसे, मैगजीन जितने सारे थे सो वो ऐसे ऐसे करके एक उससे वैलक निकलता है और सिस्टर आइरिन का ऐसे गला पकड़ लेता है। अच्छा चलो, वो सीन हम लोग ट्रेलर में जितने टाइम में देखे थे। अब थिएटर में जब मैं ये मूवी देखने गई वो सीन चल रहा है आई थिंक 1 से 2 मिनट तक। मतलब वो पेजेस ऐसे हो ही जा रहा है, पलटते ही जा रही है। अब वहां पर ना पूरे क्राउड ऐसे बोला है भाई क्या क्रिएटिव नन है, और लोग हंस रहे हैं, और जब ऐसे बू कर रहे हैं ना तब लोग ही ऐसे बोल रहे हैं, ओ हम तो बहुत डर गए। मैंने बोला कि अच्छा चलो अब क्या ही तो मैं बताऊं, क्या डर एक्सपीरियंस करने आई थी, हंसी आ गया मेरे को। तो जो भी हो, क्योंकि एक होता है ना सस्पेंस बिल्डअप बिल्डअप बिल्डअप। अब पहली बात तो ये हम सीन ट्रेलर में देख चुके हैं, हमें पता है कि क्या होने वाला है, उसी सीन को 1 मिनट तक हम लोगों को दिखाया जा रहा है तो क्या अच्छा लगेगा। और जितने भी इस मूवी के अंदर जंप स्केयर है ना, मैं अगर बताऊं तो चलो कुछ कुछ जंप स्केयर ठीक ठाक से थे, बट उतना भी ना ये मूवी अच्छा है नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत स्लो मूवी है और जो सेकंड हाफ है वहाँ पर ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ना हॉरर कुछ ऐसे नहीं पसंद है जहाँ पर ना ऐसे डरावना घोस्ट का चेहरा दिखाया जाएगा, ये सब कुछ मेरे को हॉरर मूवी ना ज़्यादा नहीं पसंद है। मेरे को ऐसा हॉरर पसंद है ना जो कि जहाँ पर हम घोस्ट को एकदम सटल देख पाए। एक मूवी आता ना लाइट्स आउट बोल के, वो जैसा हॉरर था ना, मेरे को बिल्कुल वैसा हॉरर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मेरे को सारी चीज़ों में, मतलब जो भी मैं भूतों वाला देखती हूँ मेरे को सारे की सारी चीज़ों से ही डर लगता है, इसीलिए मैं नन टू जब आया तब में तो मैं डे 1 देखने ही नहीं गई, मैं वेट कर गई ताकि मैं ऐसे लोगों के ऐसे होते ना झुंड में जाना चाहिए इसीलिए मैं वेट कर गई। तो ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस था। और लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन था जहाँ पर हमें समझ में आता है कि Conjuring 3 आने वाला है बहुत ही जल्दी। सो अगर आप लोग ऐसे हो कि जिन्हें Conjuring यूनिवर्स के बारे में इतू सा भी डिटेल बराबर चाहिए तो आप लोग बस जाओ इस मूवी को थिएटर में देखो। कोलकाता में जितने भी लोग रहते हो मुझे तो पता है, मैंने तो देखा भी कि भाई ज़्यादा तो इन्हें मतलब इस मूवी को स्क्रीन मिला भी नहीं है और कुछ खास डिजर्विंग भी नहीं है, तो प्लीज़ वेट कर जाओ, OTT में आ जाए तो देख लेना और फिर कनेक्ट भी कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर टुडे बाय।